दोस्तों मैं अभी 26 मार्च को अपने एक फ्रेंड के साथ जॉन विक चैप्टर 4 देखने गया था। नाउ गौर करोगे तो 26 मार्च 2023 के दिन संडे था, जिस दिन थिएटर की टिकट सबसे ज्यादा महंगी होती है, मगर फिर भी मुझे दोनों लोगों की टिकट मिलाकर केवल 262 रुपए ही पड़े, यानी कि करीब 131 रुपए पर हेड। बहुत से लोगों को ये आंकड़ा बहुत ज्यादा लगेगा, मगर एक तरह से अगर सोच कर देखो कि पूरे 3 घंटे की धमाकेदार साउंड एक्सपीरियंस के साथ एक बड़ी स्क्रीन पर अगर आपको एसी की हवा में बेहतरीन पिक्चर देखने का मौका मिल रहा है, तो ये एक्सपीरियंस सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके उतना एक्सपेंसिव भी नहीं था जितना लग रहा है। अब नो डाउट जॉन विक एक अच्छी मूवी है, जिसको देखने के लिए कल दोबारा से मेरा मन किया उसे बिंज वॉच करने का। इसके लिए मैं भारत के एक जिम्मेदार नागरिक की तरह लीगल रास्ता खोजने लगा और गया इंटरनेट पर। जॉन विक 4 डाला तो दिख रहा था कि इसके लिए मुझे अमेज़न प्राइम पर सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अब मेरा सब्सक्रिप्शन ना 1 महीने पहले खत्म हो गया था, और क्योंकि कोई खास अच्छी सीरीज आई नहीं थी उस दौर में, इसलिए मैंने अपना सब्सक्रिप्शन रिन्यू भी नहीं करवाया था। मगर उस एक मूवी के लिए 1500 का साल भर का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया, ये सोचकर कि फुर्सत में उसे देखेंगे। लेकिन असली कटाई तो मेरे साथ आगे आने वाले समय में हुई, जब ये पता चला कि Amazon Prime के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मुझे जॉन विक देखने के लिए 700 रुपए का लॉयंस गेट का भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा। और जैसा कि आप सब मुझे जानते ही हो कि मैं लॉयंस गेट का सब्सक्रिप्शन लेकर उसमें क्या ही देख लूंगा कि मेरे साल भर के 700 रुपए वसूल हो जाए। अभी सिनेरियो से मैं आपको इन शॉर्ट ये बताना चाहता हूं कि मुझे एक मूवी घर पर अपना नेट इस्तेमाल करके लीगली देखने के लिए करीब 2200 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं, जो मेरे थिएटर वाले खर्चे से भी करीब 15 गुना ज्यादा है। और फिर लोग पूछते हैं कि भारत में लोग पायरेसी क्यों करते हैं, मगर ये इकलौता कारण नहीं है भारत में होने वाली पायरेसी का, बल्कि आज के इस वीडियो में हम ना सिर्फ पायरेसी का पूरा प्रोसेस जानेंगे, बल्कि ये भी डिकोड करेंगे कि भारत के लोग पायरेसी करने को लेकर इतना ऑब्सेसिव क्यों रहते हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक, और चलिए शुरू करते हैं एक और मजेदार एपिसोड को। तो दोस्तों देखो, इतना तो सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे ज्यादा कमिट किया जाने वाला जुर्म चोरी, डकैती, मर्डर या रंगदारी नहीं, बल्कि वो है पायरेसी। आप अपने मोहल्ले में निकल जाइए, हर 10 में से 8 फोन में आपको कोई पायरेटेड मूवी या ऐप जैसे पिकाचू और महल मिल जाएंगे। समझ गया ना किन ऐप्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता। पहले के जमाने में जब भी कोई मूवी थिएटर में लगा करती थी ना, तो थिएटर में किसी कैमरे की मदद से बिग स्क्रीन पर चलने वाली मूवी को रिकॉर्ड कर लिया जाता था, और फिर उसी फाइल को एक सीडी में स्टोर करके बेचा जाता था। अब 40 से 60 रुपए की उस सीडी में किसी किसी में 4 तो किसी किसी में 6 पिक्चरें आया करती थी, और वो गरीब आदमी जिसके लिए 20-30 रुपए भी बहुत होते हैं, वो दुकान के उस 6 सेट वाली सीडी को ले आता था और 6 पिक्चरों के साथ हफ्ते भर का गुजारा कर लिया करता था। अब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन भारत के हर 5 में से 4 घर में आपको ऐसा कलेक्शन जरूर मिल जाएगा, जिससे ये साबित होता है कि पायरेसी इंटरनेट की वजह से मशहूर नहीं हुआ है, बल्कि ये तो पहले भी चल रही थी। मगर फिर आए अपने अंबानी जी, और अंबानी जी ने बच्चे बच्चे के हाथ में दे दिया जियो का सिम, और वो भी फ्री के इंटरनेट के साथ। अब किसी चीज को हाथ में लेने के बाद अच्छाई भले ही समझ में ना आए, लेकिन बुराई पहले हर कोई सीख जाता है। इसी कॉमन साइकोलॉजी की वजह से जैसे ही लोगों के हाथ में इंटरनेट आया, वैसे ही उन्होंने जाना कि पिक्चरें तो घर में बैठे बैठे फ्री में डाउनलोड हो जाती है, तो इसके लिए दुकान जाकर किसी को पैसे देकर सीडी लेने की आखिर जरूरत ही क्या है। और इसी ट्रेंड की वजह से मार्केट में पायरेसी वाली सीडी की डिमांड कम हो गई, और उसकी जगह ले ली डिजिटल वेबसाइट ने, जहां थोक के भाव में आपको HDRIP, CAMRIP मिलती रहती है। जिन लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस नहीं भी था ना, उन्होंने इस डिजिटल रेवोल्यूशन का अलग तरह से इस्तेमाल किया, के लिए लोग इंटरनेट कैफेज जाने लगे और 10-20 रुपए देने के बजाय 5 रुपए देकर अपने फोन में USB केबल से पायरेटेड मूवीज डलवाने लगे। इन शॉर्ट, हार्डवेयर पूरा खत्म हो गया और उसकी जगह ले ली सॉफ्ट कॉपीज और डिजिटल मीडिया ने। और कुछ इस तरह से समय के साथ साथ रूप बदलता गया, मगर पायरेसी आज भी अपने पीक पर चल रही है, और इसके केसेस ना हर साल फ्लक्चुएट होता जा रहा है। मगर सवाल आता है कि क्यों आखिर भारत के लोग पायरेसी करते ही क्यों है? तो इसका जवाब इतना सीधा है नहीं जितना कि आप समझते हैं। देखो, पहला और सबसे बड़ा रीजन है भारत का कंज्यूमर बेस। बड़े बड़े स्टार्टअप्स और बड़ी बड़ी कंपनीज ये सोचकर तो भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर देती है कि भारत की जनसंख्या 140 करोड़ के बराबर है, लेकिन ये 140 करोड़ की जनसंख्या प्रीमियम प्रोडक्ट्स का कंज्यूमर बेस नहीं है। अभी पिछले ही साल 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, जिसके हिसाब से अगर भारत में कोई 25,000 रुपए से ज्यादा की तनख्वाह कमा रहा है ना, तो वो भारत के सबसे अमीर 10% लोगों में शामिल हो जाता है। जी हाँ, भारत के टॉप 10%
परसेंट वेज अर्नर्स में आने के लिए आपको सिर्फ इतना ही कमाने की जरूरत है। साल 2018 में पब्लिश की गई एक रिपोर्ट के हिसाब से भारत में 67% घरों की टोटल आय 10,000 या उससे कम ही हुआ करती थी। हाँ, पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट द्वारा लिए गए इनिशिएटिव्स की वजह से इस आंकड़े में सिग्निफिकेंट कमी आई है, मगर फिर भी आप समझ सकते हैं कि जब लोगों के पास 20,000 से 22,000 रुपए महीने के इन टोटल बन रहे हैं तो वो इन पैसों से अपने 4 बच्चों का घर पालेंगे कि OTT के सब्सक्रिप्शन लेंगे। एक और चीज जो OTT एप्स खुद भी नहीं समझते हैं वो है इनकी कंटेंट क्वालिटी, और उसके बदले में वो लोग जो प्राइस पॉइंट ऑफर करते हैं ना, इसके बीच में पड़ने वाला जमीन आसमान का अंतर। अब देखो, इंडियन स्पेस में अगर कोई दूसरा सबसे ज्यादा सक्सेसफुल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म रहा है तो वो है Amazon प्राइम, जिसके भारत में करीब 2,18,00,000 पेड सब्सक्राइबर्स है, और ये आंकड़ा समय के साथ साथ बढ़ता ही चला जा रहा है। कारण है Amazon प्राइम का यहाँ के कंटेंट को बहुत डीपली समझना और फिर उसी के हिसाब से कंटेंट डिलीवर करना। एक व्यक्ति की रोजमर्रा की जिंदगी के साथ उसकी प्रोफेशनल लाइफ का संघर्ष देखना है तो द फैमिली मैन मौजूद है, कुछ यूपी बिहार का भौकाल देखना है तो मिर्जापुर, इसके अलावा फर्जी, पाताल लोक और ऐसे ही ढेरों सीरीज है जो Amazon प्राइम पर अवेलेबल है, जिससे इंडियन ऑडियंस पर्सनली रिलेट करती है, जिस वजह से Amazon प्राइम का कंटेंट लोगों के लिए ज्यादा रिलेटेबल हो जाता है और लोग उसे ज्यादा खरीदते हैं। दूसरी बात है, Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन के अंदर 1,500 रुपए में आपको साल भर के लिए फ्री डिलीवरी, OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट और फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग भी मिलता है, जिससे कंज्यूमर को 3 सर्विसेज एक साथ वो भी अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाती है, और इसी कारण बाकी सारे OTT प्लेटफॉर्म्स के कंपैरिजन में इंडिया में Amazon लीड कर रहा है। अब नेटफ्लिक्स जो पूरी दुनिया का इकलौता प्रॉफिटेबल OTT प्लेटफॉर्म है ना, उसका इंडियन कंटेंट लिटरली मुझे 2 कौड़े का भी नहीं लगता। एक तो देखो, नेटफ्लिक्स भारत का सबसे महंगा OTT प्लेटफॉर्म है, जिस वजह से आधी ऑडियंस तो वैसे ही कट जाती है। ऊपर से इंडियन कंटेंट के नाम पर हमें क्या परोसा जाता है, क्लास, लस्ट सीरीज, आर्चीज जैसे कंटेंट, और फिर एक्सपेक्ट किया जाता है कि इंडियन ऑडियंस इसे देखने के लिए OTT का सब्सक्रिप्शन लेगी, जबकि हकीकत तो यह है कि इन कहानियों का भारत से दूर दूर तक कोई भी संबंध ही नहीं रहता। उल्टा कई बार तो ऐसा लगता है जैसे ये हमारी संस्कृति को डीफेम करने की कोशिश करता। हम अगर इंटरनेशनल कंटेंट क्वालिटी और डॉक्यूमेंट्री बनाने में पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स का हाथ कोई भी नहीं पकड़ सकता। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में नेटफ्लिक्स से अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज कोई भी बनाता नहीं होगा, मगर सिर्फ गिनी चुनी अच्छी सीरीज जैसे कि स्कूप और बुराड़ी जैसे कंटेंट के लिए भला एक नॉर्मल सिटीजन साल के 2,500 क्यों देना पसंद करेगा, जब उसके पास इतने अच्छे अल्टरनेटिव्स पहले से ही मौजूद है। अब देखो, OTT पायरेसी का सबसे बड़ा कारण कंटेंट की कमी और डिसअपॉइंटिंग कंटेंट भी है। सोनी लिव पर स्कैम 1992 और शार्क टैंक के पहले सीजन के अलावा मुझे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं नजर आता जो मुझे उसकी ओर खींच ले जाए। यही हाल कहीं ना कहीं Z5 और वूट का भी है। बाकी Disney+ से तो मैं पर्सनली ऑफेंडेड हूँ। सीक्रेट इन्वेजन देखने के लिए मैंने 1,500 का साल भर का सब्सक्रिप्शन लिया था और वो इतना गंदा निकला कि मुझे रिफंड के साथ साथ कंपनसेशन भी चाहिए मेरे समय हानि के लिए। वो कल्चर और फेमिनिज्म के नाम पर इन्होंने सुपर हीरो स्टोरीज को माला चढ़ा दी है, जिसके बाद मैं हकीकत बता रहा हूँ कि अगर लोकी अच्छी नहीं निकली तो मैं भी लीगल का व्रत तोड़ने पर उतारू हो जाऊंगा। अब देखो दोस्तों, बड़े बड़े स्टार्स को लेने के चक्कर में इन्होंने एंटमैन में कैथरीन न्यूटन को ले लिया, जिसने इतनी गंदी एक्टिंग की कि मैं बता नहीं सकता। ऊपर से इंडिया में Disney+ के फेल होने का सबसे बड़ा कारण है IPL। देखो, जब से मोटा भाई ने जियो सिनेमा में फ्री में IPL दिखाना शुरू किया ना, तब से Disney+ 80 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स को खो चुका है और यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से यकीन मानो कि वो दिन दूर नहीं जब Disney+ भी इंडिया का सबसे सब्सक्राइब्ड OTT प्लेटफॉर्म होने का अपना खिताब हार जाएगा। खैर, ये तो बात हो गई OTT की, लेकिन हकीकत यह है कि OTT से ज्यादा पायरेसी होती है थिएटर में लगी पिक्चरों की, जो लॉकडाउन के बाद कहीं ना कहीं बढ़ गई है, और इसके भी बहुत सारे मेजर कारण है। सबसे पहला तो है लोगों का ग्लोबल कंटेंट से इंट्रोडक्शन। भारत में ऐसा नहीं है कि रीमेक मूवीज कभी चली नहीं है। सिंघम, रावड़ी राठौड़, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं सुपरहिट मूवीज के जो रीमेक तो थी और फिर भी हद पार करके पैसा कमा कर गई। लेकिन कोविड के बाद लोगों ने बॉलीवुड को छोड़कर साउथ और बाहर के देशों की बहुत सी पिक्चरें देखी, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि सिनेमा कितना बदल चुका है। भोला एक ठीक ठाक पिक्चर थी जो अगर लॉकडाउन के पहले आती तो पक्का हिट हो जाती, लेकिन चूंकि लोग कैथी ऑनलाइन ही देख चुके थे इसीलिए बहुत से लोगों ने भोला को अवॉइड किया, क्योंकि स्टोरी तो उन्हें पता ही था। दूसरी चीज ये भी है कि कोविड के बाद से लोग आलसी हो गए। लोग अब मूवीज को मूवी की तरह नहीं लेते बल्कि एक कमोडिटी की तरह देख
देखने लगते हैं। देखो लोग अब ये सोचने लगे हैं कि क्या मैं पेट्रोल लगाकर टिकट खरीद के इस पिक्चर को देखने के लिए अपना समय गवाऊं या नहीं, जिस वजह से जब तक कोई भी बहुत ही अच्छी पिक्चर्स थिएटर्स में नहीं लगती ना, तब तक लोग उसे एक्सपीरियंस करने के लिए थिएटर में जाते ही नहीं है और उसे घर पर ही बैठकर देख लेते हैं। क्योंकि आलस के साथ साथ कहीं ना कहीं अब लोग मूवीज को ये सोचकर जज करने लगे हैं कि क्या वो मूवी उनका टाइम डिजर्व करती भी है। अब चलो मैं एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मेरी जान पहचान में एक लोग है जो शाहरुख खान के हेटर है, तो वो क्या करते हैं ना कि शाहरुख खान की कोई भी मूवी रिलीज होने पर उसे डाउनलोड करते हैं और उसे अपने दोस्तों और आसपास के लोगों को भेज देते हैं, वो भी बिना मांगे। अब कॉमन साइकोलॉजी के तहत जब इंसान के पास कोई कंटेंट बिना मेहनत के और बिना पैसा के दौड़े चला आता है ना, तो वो थिएटर जाने के बजाय उसको घर में ही देखना ज्यादा सुइटेबल मान लेता है। और जब मैंने उस बंदे से बात की तब ये पता चला कि वो मूवी सर्कुलेट ही इसलिए करता है ताकि लोग शाहरुख खान की जो पिक्चर है उसे पैसे देकर थिएटर में ना देखने जाए। ये बड़ा अजीब ही किस्सा है, मगर ऐसे भी लोग भारत में पड़े हैं। मगर इस सारे केस में सबसे बड़ी गलती है हमारे देश की। पायरेसी को लेकर ना तो इतने सख्त कानून बनाए गए हैं और ना ही इसे रोकने के लिए कुछ कड़े नियम तय किए गए हैं। अब देखो, जहाँ चोरी और डकैती करने में लोगों को डर लगा रहता है कि वो किसी क्राइम को अंजाम दे रहे हैं, तो वहीं पायरेसी करने वालों को कभी भी इस बात का डर रहता ही नहीं है कि वो कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, बल्कि वो तो इसे अपना हक मानते हैं। जिस वजह से पायरेसी को क्राइम के नजरिए से ना देखने के कारण लोग ऐसा करके बिल्कुल भी गिल्टी महसूस नहीं करते और इसी गिल्ट फ्री एक्सपीरियंस की वजह से वो धड़ल्ले से इसे बरकरार रखते हैं। अब देखो, एक बात ये भी है कि पायरेसी करने वाले बहुत कम ही लोगों को कोई स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिल पाती है, जिस वजह से लोगों के अंदर उस चीज का डर भी नहीं रहता कि ऐसा करके पकड़े जाने पर उन्हें किसी सजा का सामना करना पड़ेगा। और ये डर की कमी ही एक बहुत बड़ा कारण है कि आज जो इंडियन सिनेमा हॉल में जाना अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी तो बात ही अलग है, लेकिन जो पूरा का पूरा थिएटर अफोर्ड कर सकते हैं ना, वो भी हॉल नहीं जा रहे। इस इग्नोरेंस की वजह से कुछ बहुत ही अच्छी मूवीज जैसे एक्शन हीरो, वध और एक समय में तुम्बाड़ भी फ्लॉप होकर चली गई थी, जिन्हें जब आज हम पलट के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कितनी बेहतरीन पिक्चरें थी और बॉलीवुड में आज ऐसी मूवीज क्यों नहीं बनती है। मगर देखो, हकीकत यह है ना कि जब बॉलीवुड कुछ नया एक्सपेरिमेंट करता है, रॉकी रानी और किसी का भाई किसी की जान की तरह क्रिंजी नहीं, तो ऑडियंस उसे देखने ही नहीं जाती और प्रोड्यूसर्स को ये शक हो जाता है कि शायद ऐसी मूवीज इंडियन देखना ही नहीं चाहते, हैंस ऐसी मूवीज आज बनती ही नहीं है। इस वीडियो के जरिए मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि एक फिल्म को बनाने के पीछे सैकड़ों हजारों लोगों का रोजगार होता है और उनका घर चलता है। अगर आपको मूवी नहीं देखनी है तो कोई बात नहीं, ये आपकी पर्सनल चॉइस है और उस पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन अगर आपको अच्छा कंटेंट देखना है तो एटलीस्ट उसको लीगली देखिए। देखो, भारत में अगर करोड़ों लोग पायरेसी करके अगर कोई मूवी को देखेंगे और थिएटर में जाकर सिर्फ हजार ही देखे, तो भले ही वो मूवी बहुत अच्छी क्यों ना हो और करोड़ों लोग उसे मास्टरपीस ही क्यों ना डिक्लेयर करे, पर आपके ओपिनियन से सब कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि उससे प्रोड्यूसर्स की कोई कमाई नहीं होगी और कहीं ना कहीं उन हजारों लोगों के घर पर इफेक्ट होते हैं जिनकी रोजी रोटी इन सिनेमा इंडस्ट्री से चलती है। हमारी दरखास्त है कि पायरेसी को जितना हो सके उतना कम करिए और दूसरों को भी इनकरेज करिए ऐसा ना करने के लिए, क्योंकि जब हम दूसरों को मोटिवेट करेंगे तभी दूसरे भी उस चीज की अहमियत को समझेंगे। वैसे भारत में पायरेसी के पीछे और कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, नीचे कॉमेंट में अपनी राय जरूर देना। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।